ओके बच्चों, चलो तो आज अपनी रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में हम क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और यही टॉपिक्स आपके सिलेबस जो टेस्ट में आने वाला है उसमें भी इंक्लूडेड है। तो इस वीक के अपना जो इस टेस्ट के टॉपिक्स है वो थे वेक्टर्स, एनएलएम एंड काइनेमेटिक्स। इसमें से कुछ वेक्टर्स का पोर्शन आपका शुरू में भी हो चुका है एंड आपके इवनिंग के का बच्चों की क्लास मैंने नहीं ली थी, तो आपका एग्जैक्टली क्या हुआ या बता देंगे तो अपन उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैंने शायद आपको मेंशन भी करा था कि रिवीजन क्लासेस विल बी रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है जो चीज अपन ने पढ़ रखी है उसको वापस से देखना, उसके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, है ना। सो इन क्लासेस का फॉर्मेट हमारा ऐसा रहेगा कि आप लोग जो भी टॉपिक्स है हम यहाँ पे आपको बता दिया करेंगे और वो आपको पढ़कर आना है अपने क्लास नोट्स पे। क्लास नोट्स आपने 11th क्लास में बनाए होंगे अच्छे से, आपको सब टीचर्स एडवाइस करते हैं क्लास नोट्स प्रॉपरली बनाने की, तो क्लास नोट्स आप रिवाइज करेंगे। एंड सबसे पहली चीज, जो भी आपको उनमें डाउट है तो पहले यहाँ पे वो क्लियर करेंगे अपन। आफ्टरवर्ड थ्योरी में मुझे कुछ पॉइंट लगा कि आपने पूछा नहीं है लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो मैं यहाँ पे आपका रिकैप कर दूंगा। देन कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, आपके जो भी डाउट्स वाले क्वेश्चन है इन चीजों के थ्रू अपन रिविजन कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह का अपना कुछ ऑर्डर रहने वाला है एंड आप क्वेश्चंस करिए इन टॉपिक्स के। अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं करी थी तो क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, आपने एससीवी नहीं करी थी तो एससीवी कर लीजिए, और जो भी उनके प्रॉब्लम्स डाउट्स है वो पूछ लीजिए, ठीक है। क्लास में सारे डाउट्स ऑफ कोर्स नहीं हो पाएंगे, अगर सब बच्चे डाउट क्लास में पूछेंगे तो हो सकता है क्लास में टाइम थोड़ा लग जाए अपन को, तो हम ऐसा करेंगे कि आप अलग से डाउट सेशंस में पूछ सकते हो क्वेश्चंस, क्लास में भी पूछ सकते हो, लेकिन अगर क्लास में कंप्लीट नहीं हो तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तो अब मेरे पास मैसेज आ रहा है काइनेमेटिक्स हुआ था और वेक्टर्स करवा दीजिए। ठीक है वेक्टर्स देखो, ठीक है ओके। चलिए तो आपके काफी कुछ चीजें बता रहे हो आप, कुछ कुछ हो चुका था। देखो सबसे पहले तो अब शांति शांति, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, शांति, इतनी जल्दबाजी मत करिए। तो कुछ सबके अलग अलग आ रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे ये कुछ बच्चे बोल रहे वो, तो प्लीज बी पेशेंट, आप सब लोग एक साथ मत मैसेज करिए, हम ऑर्डर वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर्स में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पहले तो वो पूछ लो। वेक्टर्स वैसे तो मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है, आप 12th क्लास में भी सीख भी जाओगे वेक्टर्स, और वेक्टर्स का फिजिक्स में अप्लीकेशन बहुत होता है, ठीक है। वेक्टर्स टॉपिक को आपको है ना एक तरह से टूल जैसा समझना चाहिए हमेशा। टूल क्या है कि जब दो वेक्टर को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या एडिशन के फॉर्मूले में कोई दिक्कत, सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत, मल्टीप्लीकेशन दो टाइप के होते हैं वेक्टर के, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो इनमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी चीज आपको जो करते नहीं आती है कुछ भी, पहले तो बता दीजिए। मैं ऑर्डर वाइज चलूंगा, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, ये ऑर्डर रहेगा अपना आज के अपने लेक्चर में। पहले तो आप वेक्टर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछ लो, अगर कुछ नहीं है तो काइनेमेटिक्स पे आ जाएंगे अपन। क्या वेक्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना बता दो। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। दो वेक्टर्स जो आपको दिए गए हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आप तो पहले उनकी डायरेक्शन क्या है वो अच्छे से देख लो। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन चाहिए, तो आपके राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखो। अब उसकी डायरेक्शन में ऐसे भी रख सकता हूँ मैं, ऐसे भी रख सकता हूँ मैं, ऐसे भी रख सकता हूँ। अब अपने हाथ को घुमा के फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे भी रख सकते हो फिंगर्स को, ठीक है। तो आपको इस तरह से रखना है हाथ को कि योर फिंगर्स कैन रोल टुवर्ड द सेकेंड वेक्टर। अगर मैं हाथ ऐसे रखूंगा तो मेरी फिंगर सेकेंड वेक्टर की तरफ रोल नहीं कर पाएगी, मैं हाथ ऐसे रखूंगा तो फिंगर सेकेंड वेक्टर की तरफ रोल कर पाएगी। जब सेकेंड वेक्टर की तरफ फिंगर रोल कर रहे हैं अपन, तो हमारे थंब की जो डायरेक्शन होगी वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देती है। इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन फिंगर रखो, सेकेंड की डायरेक्शन में रोल करो, थंब की डायरेक्शन गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ करना यही है हर सिचुएशन में, बस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इस चीज की। चलो और कोई डाउट? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर, यस, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जो दोनों वेक्टर्स होंगे उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। दो वेक्टर्स अगर एक प्लेन में है तो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। ये होगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, और याद रखना बी क्रॉस ए उल्टा होता है, बी क्रॉस से उल्टा होता है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। चलो
और कोई डाउट वेक्टर्स में? एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला वगैरह आता है? अपन तो अभी अभी बहुत ज्यादा यूज भी करा हमने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दो वेक्टर्स हमारे पास मान लीजिए, उनका मैग्नीट्यूड एफ वन और एफ टू है, तो इनका एंगल अगर थीटा हो तो रिजल्टेंट का नेट जो अपन निकालते हैं मैग्नीट्यूड, वो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, है ना। ट्राइंगल ऑफ एक्सीलरेशन से भी कर लेते हैं अपन, और कॉम्पोनेंट लेके ऐड कर लो वेक्टर को, ज्यादा अच्छा रहता है। कॉम्पोनेंट मतलब क्या होता है, किसी वेक्टर के दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या वेक्टर्स बन सकते हैं। किसी वेक्टर के कॉम्पोनेंट का मतलब क्या होता है, या रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है, तो इसको मैं दो वेक्टर के एडिशन के टर्म में लिख सकता हूँ। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दिस वेक्टर, लेट्स से दैट वाज ए वेक्टर, कैन बी रिटन एज दिस वेक्टर। सपोज ये ओ पॉइंट था, ये ए पॉइंट का कुछ होना, इसको मैं बोल देता हूँ ए एक्स वेक्टर, इसको बोल देता हूँ ए वाई वेक्टर। सो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आई कैन राइट दिस ए वेक्टर इज ए एक्स प्लस ए वाई। नाउ ए एक्स के डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, ए वाई के डायरेक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इन वेक्टर को लिखने का तरीका हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। एक्स वेक्टर हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड जो भी है इनटू उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को अपन आई कैप लिखते हैं, और ए वाई लिखने का तरीका हो जाएगा ए वाई टाइम जे कैप, और इन दोनों का एडिशन हमको ए वेक्टर दे देगा। तो किसी वेक्टर को दो वेक्टर्स जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है उनके टर्म्स में इस तरह से तोड़ के लिखना, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखना, ठीक। और कॉम्पोनेंट फॉर्म में आसान हो जाता है एडिशन वगैरह करना, बिकॉज सारे एक्स के कॉम्पोनेंट आपस में जोड़ सकते हो बिकॉज दे हैव सेम डायरेक्शन, एंड सारे वाई के कॉम्पोनेंट आपस में जोड़ सकते हो क्योंकि दे हैव सेम डायरेक्शन। तो दो वेक्टर जब कॉम्पोनेंट फॉर्म में हो तो उनके एक्स एक्स कॉम्पोनेंट जोड़ लो, वाई वाई कॉम्पोनेंट जोड़ लो, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर कॉम्पोनेंट फॉर्म में मिल जाता है। चलो ठीक है सर, एक बार प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अदर बता दीजिए। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन या कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग सेकंड वेक्टर, वो निकालने का तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट करो ए वेक्टर का दूसरे के कैप के साथ। ए वेक्टर का बी की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए कॉम्पोनेंट का, तो वो निकालने का तरीका ये होता है, दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी। किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। जैसे किसी वेक्टर का x एक्सिस का लॉन्ग कॉम्पोनेंट चाहिए तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i कैप के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। y एक्सिस में कॉम्पोनेंट चाहिए तो j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करके कॉम्पोनेंट आ जाता है। और ऐसा क्यों मिलता है? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड, b का कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड वन हो गया, उनके बीच का एंगल का कॉस। तो अगर ये b वेक्टर था, ये a वेक्टर था, ये थीटा था, तो मॉड ए कॉस थीटा मतलब a का b के अलोंग प्रोजेक्शन मिल जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा, है ना। इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इंटू एक्स बी कैप और कर दो, बी कैप और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, जैसे मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा ये, ठीक है। चलो अभी हाँ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे अपन वेक्टर्स में। मुझे नहीं लगता कि वेक्टर इज अ टूल, ठीक है, इसको जैसा टूल जैसा सोचना चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसे होते नहीं है, मैथ्स में कराए जाते क्वेश्चन से, ठीक है, फिजिक्स में बस इसका यूज आना चाहिए अपन को। तो अपन काइनेमेटिक्स पे आ जाते हैं, वेक्टर ऐसा कोई पूछता नहीं फिजिक्स में वेक्टर का कोई क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो अब काइनेमेटिक्स पे आते हैं। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों हो रहा है ये नहीं देखते अपन, मोशन की स्टडी कर रहे हैं। किन टर्म्स में स्टडी करते हैं? तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स है जिनके टर्म्स में मोशन को आइडेंटिफाई करते हैं। ये वेरिएबल क्या है? पोजीशन है। पोजीशन से अपन बता सकते हैं पार्टिकल कहाँ है। पोजीशन कैसे बताई जाती है पार्टिकल की? तो उसके लिए हम स्पेस में एक ओरिजिन चूज करते हैं, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो पोजीशन वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए या उसका पोजीशन वेक्टर बता दिया, ये दोनों चीज उसकी पोजीशन समझा रही है अपन को, ठीक है। तो पहले तो पोजीशन बताई जाती है, फिर अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही हो, टाइम के साथ पोजीशन बदल रही है, तो हमको दिखता है पार्टिकल मोशन में। अब मोशन है तो मोशन को क्वांटिफाई करने के लिए कि किस तरह का मोशन है, उसके लिए हमने कुछ वेरिएबल बनाए हैं, है ना। क्या क्या वेरिएबल बनाए हमने? डिस्टेंस,
डिस्टेंस का स्पीड, दिस टू आर स्केलर, फिर बनाया अपन ने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद बनाया अपन ने वेलोसिटी, उसके बाद बनाया हमने एक्सेलरेशन। ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, इनके भी दो फैक्टर होते हैं, दो तरीके से लिखी जा सकती है। वेलोसिटी का नॉर्मल मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। कभी कभी हम लोग एवरेज वेलोसिटी की भी बात करते हैं, तो कभी कभी एवरेज की भी बात होती है, और ऐसे ही एक्सेलरेशन में भी दो चीजें होती है। किसी भी क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी पूछी है, कुछ लिखा नहीं है साथ में, इसका मतलब लोग इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। ये अंडरस्टूड है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ बार बार इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ वेलोसिटी लिखने का मतलब भी इंस्टेंटेनियस ही होता है। वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन को अलग से मेंशन करा जाएगा, सिर्फ एक्सेलरेशन लिखने का मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब कैसे किसको डिफाइन करा, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, पोजिशन वैक्टर्स का डिफरेंस, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, चेंज इन पोजिशन वैक्टर जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये होता है डेल्टा आर वेक्टर, मतलब पार्टिकल का फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर, इसको कई बार हम एस वेक्टर भी लिखते हैं। और अगर 1D मोशन हो रहा हो, तो 1D मोशन में हमको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, 1D मोशन में हम सब जानते हैं यार कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही मोशन हो रहा है, तो वहाँ वेक्टर को कोई लगाता नहीं है, वहाँ सिर्फ एस लिख के भी चला लेते काम, तो डिस्प्लेसमेंट कई बार सिर्फ एस से भी लिख देते हैं अगर हम 1D मोशन है। फिर वेलोसिटी में भी ऐसे ही, वेलोसिटी के लिए वी वेक्टर अपन सिंबल यूज करते हैं, डिफाइन कर सकते, कैसे करते हैं, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उसको डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का चेंज अपॉन टाइम डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे एक्सेलरेशन में भी अपने पास डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन होता है डीवी वेक्टर बाय डीटी व्हेन एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये चीज का कुछ मतलब समझ में आएगा हमको, तो एक फेमस क्वेश्चन है, 11th में कई बार देखा होगा आपने, कि एक पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, दिस इज अ सर्कल, इस सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा है और पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, सर्कल की रेडियस आर है और पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे यहां था, थोड़ी देर में घूम के यहां पहुंचा, उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में जो स्पीड है वो वी, तो किसी टाइम टी पर पार्टिकल यहां ए से चालू करके बी पर आ गया, है ना, टाइम जीरो पर पार्टिकल ए पे था, टी टाइम पे पार्टिकल बी पे पहुंच गया है। आप बताओ इस ड्यूरेशन में उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, जल्दी जवाब दो, डिस्टेंस कितने ट्रेवल करी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। इन अ टाइम टी पार्टिकल यहां पहुंच गया है, पार्टिकल यहां से चालू करा है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, ये आपको मैंने बता दिया, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, वी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी, डिस्टेंस विल बी बीटी, सर्कल के सर्कमफेरेंस कर रहा हूं कितना चलेगा, कभी भी स्पीड दी हो कांस्टेंट तो स्पीड इनटू टाइम कर दो, बस मिल जाएगी डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस स्पीड की डेफिनेशन ही क्या होती है, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो ये अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम विल गिव डिस्टेंस, ये तो आसान हो जाएगा, सही बात है ना। डिस्प्लेसमेंट बताओ जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना हुआ, यस चलो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विद वेक्टर साइन विद डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो ये लेंथ हो जाएगी, ये होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये कैसे निकाल सकता हूं मैं, मुझे सर्कल के सेंटर पे एंगल पता चल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, बिकॉज इफ दिस इज आर दिस इज आर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये एंगल का आधा हो जाएगा, ये थीटा बाय टू, तो आर साइन थीटा बाय टू, तो ए टू बी डिस्टेंस विल बी टू आर साइन थीटा बाय टू, है ना, ज्योमेट्री से कर सकते हैं अपन, इफ दिस इज आर दिस इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा बाय टू, और ये आर साइन थीटा बाय टू है तो ये टोटल हो जाएगा टू आर साइन थीटा बाय टू। तो अब ये लिखने के लिए तुम्हें थीटा चाहिए, थीटा कैसे निकालोगे भाई, आर्क लेंथ बाय रेडियस गिव्स यू एंगल, तो
एंगल हो जाएगा आर्क लेंथ बाय रेडियस 2r साइन vt बाय 2r। ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो बहुत बढ़िया। कोई पूछे ये एंगल दे दिया चलो थीटा, ये एंगल के टर्म में अब आपको आंसर बताना है। कोई पूछे इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा और टी के टर्म में आंसर दो। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, थीटा और टी आपको पता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? चलो मेरे पर रिप्लाई आ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन का, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। नाउ सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिया हुआ है ना, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वो कांस्टेंट है। तो बी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, डायरेक्शन बस चेंज हो रही है, तो फाइनल जो वेलोसिटी बी पॉइंट पे होगी वो वहां के टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, इस तरह से ए पर वेलोसिटी वहां के टेंजेंट के अलॉन्ग है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर को उल्टा कर दो करो और ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करना है, दोनों मैग्नीट्यूड में भी है और ये एंगल का थीटा था, तो वर्टिकल से वेलोसिटी का एंगल भी थीटा होगा, तो यहाँ एंगल बच रहा होगा पाई माइनस थीटा, तब इन दोनों का एडिशन निकाल सकते हो, यू हैव फॉर्मूला है ना, तो आप वो निकाल सकते हो। तो या तो दोनों का इधर कॉम्पोनेंट देखो ऐड होने वाला है ना, परपेंडिकुलर कैंसिल होंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2v sin थीटा बाय 2, ठीक है, इनका एडिशन। बस जो एडिशन आया ये आगे हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दो, यू विल गेट एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन, वेलोसिटी का चेंज, इनका डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या करा, सिमेट्री है तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा डिफरेंस, और पूरे एंगल का हाफ एंगल होगा इनका एंगल बाइसेक्टर से, थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, तो वी के इधर कॉम्पोनेंट्स का एडिशन डिवाइड बाय टाइम, ये आ गया आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने मुझे सही जवाब दिया था, तो बेसिक बेसिक चीजें मतलब आपको आती है, ठीक है। इसके बाद ये तो अपने जनरल बातें करी कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, इनमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन सबकी डेफिनेशन क्या होती है। आफ्टरवर्ड्स फिर आपने 1D मोशन पढ़ा है, विच इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ काइनेमेटिक्स। 1D मोशन में क्या होता है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल एक ही एक्सिस के अलोंग एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। जब ऐसा होता है तो हमें वेक्टर लगाने की, साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, वेक्टर का जो सिंबल होता है वो दिखाने की जरूरत नहीं होती है, हम वेलोसिटी वेक्टर को सिर्फ वी लिख के भी चला देते का, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, उसका साइन प्लस या माइनस वो बता देगा इधर जा रहा है इधर जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो इसमें वी को फिर सिंपली डी एस बाय डी टी लिख देते हैं या डी एक्स बाय डी टी लिख दो, है ना, वो सब आपने पढ़ा इक्वेशन। चलो फिर कई बच्चों ने बोला है यस, हाँ बोल सकते हो, डाउट जो है आपको पूछ सकते हो। सर मुझे एक डाउट था सर, हाँ? सर एक क्वेश्चन बैंक का सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ? सर उसमें मुझे डाउट था सर, सर एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन बिटवीन इट्स स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरीज। हाँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन कर दो। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, स्टार्टिंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट का मोशन जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ है, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ है, हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कुछ आ गई और रेंज की आधी डिस्टेंस कवर हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा आर बाई टू आई प्लस एच जे, ये वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट आ गया। और टाइम कितना लगता है यहाँ से आने में, आधा टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, टू यू साइन थीटा बाई जी, जस्ट डिवाइड दिस टू, यू विल गेट योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला रख दो, एच का रख दो, तो काम हो जाएगा। चलो फिर एक बच्चे ने मुझसे वो डाउट पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन एक बार फिर से बता दूं, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला, मैंने वेलोसिटी का चेंज बाय टाइम टेकन करा, वेलोसिटी का चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल के बीच में
हमें यहाँ एंगल थीटा था तो ये दिख रहा था 180 माइनस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड वी है। अब दोनों का एडिशन निकाल सकते हो आप, यू हैव फॉर्मूला रूट ओवर एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस जो भी फॉर्मूला होता है ना एडिशन वेक्टर का करने का, तो इन दोनों का रिजल्ट निकाल लो वो आ जाएगा, बस टाइम सेकंड से डिवाइड कर देना। ठीक है चलो, उसके बाद मेरे पास एक डाउट आ रहा है, कंडीशन फॉर कोलिजन इन 2D, भाई दो पार्टिकल अगर टकराएंगे कुछ साथ में बोलो, कंडीशन फॉर कोलिजन मतलब क्या, हवा में रखे पार्टिकल थोड़ी टकरा जाएंगे। मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होगी 2D में, तो मैं तो बोल दूंगा कि कोलिजन होगा ही अगर पार्टिकल रेस्ट पे रखे हुए तो क्यों होगा कोलिजन, तो कुछ बताना पड़ेगा आपको कि क्या हो रहा है, तो फिर मैं आगे बता पाऊंगा। कशिश इफ टू पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बिकम जीरो आफ्टर सम टाइम, उनके बीच की डिस्टेंस जीरो होना चाहिए। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखने पर जो भी मोशन दिखेगा वो ऐसा होना चाहिए कि कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए विद रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकल, बीच की डिस्टेंस जीरो हो जाए। ठीक है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर इज जीरो, तो ये कंडीशन लगा सकते हो आप। ठीक है चलो, फिर वन डी मोशन पे आ जाते हैं अपन। अब वन डी मोशन में वेलोसिटी डीएस बाय डीटी लिख देना, एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी लिख देना, फिर इसमें एक स्पेशल केस हो जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है तो क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ये कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेट करो तो थोड़ी देर बाद की जो वेलोसिटी हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ऐसे कुछ इक्वेशन मिल जाती है हमको जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको अपन वीटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वीटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कुछ नहीं, मैंने यू को यहां से वी माइनस ए टी लिख दिया तो ये आ जाएगा। फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये इक्वेशन हो जाती है हमारे पास, है ना। फिर एक इक्वेशन की एवरेज वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन शुड बी यू प्लस वी बाय टू, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी यू प्लस वी बाय टू कर सकते हैं। तो ये कुछ इक्वेशन होती है। फिर nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। जैसे चौथे सेकंड में कितना चला पार्टिकल, तो t को 4 डालो तो फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। चलो ये कुछ अपन ने इक्वेशन वगैरह पढ़ी होगी आपने, ठीक है यस। अब इनमें ग्राफ ग्राफ भी पूछते हैं, है ना, तो ये इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं किसी को, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ उसके ऊपर पहले। एक पार्टिकल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल वॉज समवेयर एट ए, इट्स वेलोसिटी एट ए वॉज वी वन, पार्टिकल इज एट पोजिशन सी, इट्स वेलोसिटी एट पोजिशन सी इज वी टू, समवेयर इन बिटवीन देर इज अ पॉइंट बी and the distance of AB to BC is ratio m is to n, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है पार्टिकल का, A पर वेलोसिटी v1 है, C पर वेलोसिटी v2 है, AB और BC के डिस्टेंस का रेशियो दिया है, तो आपको बताना है B पर वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है बताओ, एंड मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, करो बताओ जल्दी से इसका आंसर। ग्राफ ग्राफ पे भी आएंगे अपन बाद में। चलो बहुत बढ़िया, बराबर रिप्लाई आंसर भी आ गया इस क्वेश्चन का। ईशान मुझे गलत लग रहा है आपका आंसर,
देखो हमें पता क्या क्या, ये सोचो काइनेमेटिक्स बिल्कुल मैथ्स से, मैथ्स से मैथ्स लगाना है, कुछ नहीं करना है। पता क्या है, डिस्टेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, वेलोसिटीज की इंफॉर्मेशन पता है। तो इक्वेशन सोचो जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल और वेलोसिटी दोनों आती हो, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आती हो। फर्स्ट में तो नहीं आती, सेकंड में आती है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन, इसमें टाइम भी है, टाइम का कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर आपको। थर्ड इक्वेशन के हिसाब से ए और बी के बीच में फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो टू टाइम एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट ए टू बी का, है ना। फिर बी से सी में लिख सकते हो वी टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू ए इनटू बी सी। एक्सेलरेशन तो पता है नहीं और डिस्टेंस का रेशियो दिया है, तो रेशियो ले लो इन दो का, रेशियो ले लोगे तो तुम्हारा काम हो गया। ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी विच इज एम इज टू एन। मतलब क्या होता है कि सिचुएशन समझना है हमको कि दिया क्या है और जो दिया है उसमें क्या इक्वेशन बना सकते हैं अपन। कई बार हमें कुछ बीच में वेरिएबल लेना पड़ जाते हैं, जैसे यहाँ एक्सेलरेशन लिया, और वो कई बार इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जाती है क्वेश्चन में जिससे दिखता है ऑटोमेटिकली गायब हो रहा है। तो इस तरह से कर सकते थे अपन। अब देखो इसको मैनिपुलेट करके बी निकाल सकते हो आप, है ना। चलो तो कर लीजिएगा इसको सॉल्व, कैसे करना था ये इम्पोर्टेंट था। तो आई होप कि सबको समझ में आया कैसे करा अपन ने। तो ये कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल लेके, फिर काइनेमेटिक्स में आपने सुना होगा कि अगर स्पीड इनिशियली जीरो थी पार्टिकल की, वेलोसिटी जीरो थी इनिशियली, इफ यू वॉज जीरो, तो हमको कई जगह ऐसा होता है कि पार्टिकल इनिशियल स्पीड जीरो से चलता है, तब उसका डिस्टेंस ट्रेवल जो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है, वो हाफ एटी स्क्वायर हो जाता है। तो टाइम निकाल सकते हो अपन टू एस बाय ए करके, अगर हमें डिस्टेंस पता हो कितनी चलना है और एक्सेलरेशन पता हो तो कितने टाइम में अचीव होगा ये बता सकते हैं, है ना। और किसी टाइम पे वेलोसिटी एटी हो जाएगी सिर्फ, या वेलोसिटी को रूट टू एस भी लिख सकते हो अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है एस वाली, ये डिस्प्लेसमेंट अगर मैं एनएच सेकंड का देखू यहां से, तो एनएच सेकंड में यू जीरो डालोगे तो ये टू एन माइनस वन ऑड नंबर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन कंसेक्यूटिव सेकंड्स विल बी इन रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स, इसको बोलते हैं गैलीलियस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये इक्वेशन में अगर यू को जीरो डाल दो तो एस एन हो जाएगा ए इंटू टू एन माइनस वन। ये नंबर एक ऑड नंबर है, एन की वैल्यू वन टू थ्री रखते जाओ तो ऑड नंबर मिलते जाएंगे। तो अलग अलग सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ऑड नंबर का रेशियो आएगा, जिसको बोलते हैं अपन गैलीलियस लॉ ऑफ ऑड नंबर, ठीक। चलो तो ये तो अपन ने कुछ बेसिक्स देख लिया काइनेमेटिक्स का, है ना। आई होप कि सबको रिकैप हुआ होगा कुछ। एक ही अपन ने क्वेश्चन देखा था, और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं काइनेमेटिक्स में, ठीक है। रेदर देन गोइंग मी, मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ उससे अच्छा आपको कोई डाउट हो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड तो आपको पहले पूछ लो। नहीं आगे बढ़े फिर सर, एक क्वेश्चन जो मैंने भेजा था आपको, निमित्त ने क्वेश्चन भेजा था, क्या वो स्पेसिफिकली इसी का था? जस्ट मी चेक, लेट मी चेक। निमित्त वापस से भेज सकते हो क्या? सेंड इट अगेन। आपका नाम सेव नहीं ना तो मेरे को मिल नहीं रहा, वापस से सेंड कर दो यार। चलो और क्वेश्चंस करेंगे हम। देखो क्वेश्चंस करने से पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, तो पहले तो कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो वो पूछ लो, अदरवाइज तो फिर क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा, वन टू थ्री फोर कर लो, एचसीवी कर लो, और उसमें जो जो डाउट है वो पूछ लो, ठीक। चलो एक डाउट मेरे पास आ रहा है, उसे तो अच्छारों ने भेजा है मेरे को। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू लॉ आर इज इन मीटर टी इज इन सेकंड, फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये तो कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करके निकाल लेना, द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल पार्टिकल 0 टू 4 सेकंड। चलो देख लेते, कभी कभी आपको
सर हाँ सर सॉल्यूशन के सिर्फ लास्ट पार्ट में डाउट है, बाकी तो हो गया। सिर्फ लास्ट में वो जो हमने लास्ट सेकंड लाइन में उसके नीचे कुछ दिया हुआ है वो समझ नहीं आया क्या किया। देखो आपको जब भी डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी हो ना कभी भी, और आपको वेलोसिटी दियो, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमेशा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेकर आप इंटीग्रेट करके डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बीटी, जो भी टाइम में आपको निकालना हो डिस्टेंस। तो आपको इंटीग्रेशन को हमेशा ब्रेक करना पड़ेगा, और जहां भी वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है उस पोर्शन में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ एनीथिंग गिव्स यू माइनस वी व्हेन इनसाइड थिंग इज नेगेटिव। तो आपको उसको हमेशा ब्रेक करके करना चाहिए, ठीक है। तो बस इस चीज का ध्यान रखा होगा वहां पे उन्होंने शायद, मैं देख लेता हूँ और क्या लिखा था उसमें। तो उन्होंने शायद ये लिखा है, द डिस्टेंस डेल्टा इज डिफाइंड एज अ पाथ लेंथ एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग द स्पीड ओवर द कंसर्न टाइम इंटरवल। यस, तो बस स्पीड का इंटीग्रेशन करके उन्होंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल निकाली, यही करा है उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है और स्पीड पता है या मैग्नेट्यूड का वेलोसिटी पता है तो उससे आप निकाल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल। समझ में ही बात। जैसे जो आपको क्वेश्चन दिया था, सभी बच्चे देखिए जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पर, उसमें पोजिशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था, वो था हाफ टी स्क्वायर आई माइनस 4/3 टी टू द पावर 1.5 जे प्लस 2 टी के। इसको डिफरेंशिएट करो एक बार तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t, तो ये आ जाएगा टी आई। यहाँ पर 4/3 टी की पावर 1.5 का 1.5 आया आगे आया, और टी की पावर हाफ में से -1 हो गया तो रूट टी बचेगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी वाले का 2, तो ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो आपको स्पीड मिल जाएगी, स्पीड हो जाएगा रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस ये एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है 2 का स्क्वायर 4 टी, रूट टी का स्क्वायर 4t प्लस लास्ट वाला एक्सप्रेशन 4, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, जितने भी टाइम में आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो मिल जाएगा आपको। समझे कुछ बात, बुझा? यस, वेरी गुड। चल एक निमित का डाउट आया था वो देख लेते। Part of plane is flying horizontally at a height of 250 meter from the ground with constant velocity. It passes exactly over a cannon which can fire a shell at any time and direction with speed 100 meter per second. Find the duration of time for which the plane is in danger of being hit by the cannon shell. So, ये 2D का motion, 2D का question है। अपन आते हैं 2D पे, अभी 1D पूरी complete कर लेते। तो 1D में कोई किसी को doubt नहीं बचा है अगर, तो मैं थोड़ा सा graph का idea दे देता हूँ, फिर अपन 2D पे आ जाते हैं। देखो ग्राफ में आपको मेरे पास डाउट आया था, ग्राफ बता दीजिए। देखो ग्राफ हमेशा सिचुएशन देख के अपन ड्रॉ करेंगे कि क्या दिया है हमको, हमें कुछ पता होना चाहिए ना कोई रिलेशन, तो हम ग्राफ बना सकते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, किसी ने बोल दिया मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा है, तो मुझे कुछ कंडीशन दी गई तो मैं बना पाऊंगा ग्राफ, नहीं दी गई तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी नो दैट वी इज यू प्लस एटी, और वी को मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ, टाइम को मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ, तो ये इक्वेशन क्या हो रही है, ये हो रही है एक्सेलरेशन इंटू एक्स प्लस यू जैसा। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम मैथमेटिक्स वी शुड नो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब इसका हम ग्राफ बना सकते, तो ये y को तो mx plus c जैसा है, c हो गया u और स्लोप हो गया a, और ग्राफ बना दो। अगर ये पॉजिटिव है tan theta will be equal to a और वो पॉजिटिव है तो ऐसा पॉजिटिव स्लोप की लाइन बन जाएगी, है ना। चलो अब अगर किसी ने बोला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओ, तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के लिए उनका रिलेशन क्या होता है पहले तो वो ढूंढो।
तो रिलेशन हमें पता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s होता है, ठीक है। अब अगर ये y है और ये x है तो ये क्या इक्वेशन है? ये पैराबोलिक सर। यस, पैराबोला की इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा ये, है ना। आप लोगों ने नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होती है, आप लोगों ने जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होती है वो होती है y इक्वल टू x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b x प्लस c। इसका पैराबोला y एक्सिस पे खुलता है, y एक्सिस इसका एक्सिस होता है, जिसमें x का स्क्वायर है उसका पैराबोला का एक्सिस y होता है, यहाँ पे y का स्क्वायर है तो उसका एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस होगा, पैराबोला का एक्सिस मीन्स x एक्सिस, तो ये x एक्सिस पे ओपन करता हुआ पैराबोला बनेगा, ठीक है। एंड व्हेन x इज 0 वी y इज u एंड आफ्टरवर्ड्स पैराबोला जैसा बना दो, तो ओपनिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पैराबोला बना दो जो यहां पर u स्क्वायर पर कट करना चाहिए, u पर कट करना चाहिए, u पर। तो दिस पैराबोला शुड बी लाइक दिस, अगर इसको पूरा एक्सटेंड कर दे पैराबोला को तो ऐसा कुछ दिखता आपको। ओपनिंग ऑन x एक्सिस पैराबोला बना दिया, समझ में बात, बोलिए। यस, तो हमें वो इंटरसेप्ट u स्क्वायर ही होगा ना, कैसे बोलो, इंटरसेप्ट u स्क्वायर ही होगा ना सर। मैं v वर्सेस u का, v वर्सेस s का ग्राफ बना रहा हूं ना बेटा, v क्या हो जाएगा जब x को 0 डालो तो v विल बी इक्वल टू u। अच्छा ठीक है ना, चलो तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो हमें इक्वेशन देखना पड़ती है क्या है, फिर कई बार ग्राफ में हमें एक ग्राफ देख के दूसरा पूछ लेते हैं, एक ग्राफ देख के दूसरा पूछ लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बनाता हूं, तो मैं कुछ पूछता हूं आपसे, जैसे सपोज मैंने बोल दिया कि एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ दे रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ ऐसा है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ ये है। मैंने पूछ लिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाओ, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी दिया और वेलोसिटी वर्सेस टाइम पूछ लिया, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या रिलेशन है इन दो क्वांटिटी में, जो गिवन है, जो गिवन क्वांटिटी है उसका रिलेशन हमें क्या ग्राफ दिया, पहले तो वो देखो क्या ग्राफ दिया है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, कैसी स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है। क्या इसकी इक्वेशन लिख सकते हो? हाँ, आपको आती है इक्वेशन लिखते इसकी, ठीक है। मान लो कि ये वैल्यू a नॉट थी तो उसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हो, ये अगर v नॉट है तो क्या लिख सकते हो उसकी इक्वेशन, किसी जनरल v पर जनरल a वो हो जाएगा माइनस स्लोप, स्लोप विल बी a नॉट बाय v नॉट टाइम्स v प्लस इनिशियल इंटरसेप्ट a नॉट, ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगी, am I right? ऐसा कुछ इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है वो देखो, फिर दिया क्या है वो समझ लिया, अब निकालना क्या है वो देखो। तो मैंने आपसे बोला ड्रॉ v वर्सेस t, है ना, कुछ तो बताना पड़ेगा नहीं तो करेंगे क्या। तो मैंने बता दिया v वर्सेस t का ग्राफ बनाओ। अब सोचो कि v वर्सेस t के लिए मुझे जो दिया गया है उसमें किसका रिलेशन निकाल सकता हूँ। मैं a वर्सेस v की इक्वेशन देख रहा हूँ, पर a को तो dv by dt लिख सकते ना अपन, a could be written as dv by dt, तो उसको dv by dt लिखो, तो इक्वेशन आ गई है a नॉट by v नॉट, लेट्स से इट वाज सम अल्फा, इसको फिलहाल अल्फा बोल दिया, है ना, और ये a नॉट ही बस, तो ये इक्वेशन बनी। नाउ आई कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन टू गेट v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको इंटीग्रेट कर लो, dv अपॉन माइनस अल्फा v प्लस a नॉट, दिस गिव्स यू dt, इंटीग्रेट दिस, जीरो से t, और वेलोसिटी शुरू में पता होना चाहिए, तो ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम a0 था तो यहाँ क्या थी, दिख रही है अपन को, क्वेश्चन में दिया होगा, तो जो भी दिया है वेलोसिटी शुरू की ओर डाल दो। मान लो वेलोसिटी कुछ दे दी थी शुरू में अपन को, क्वेश्चन बोला था v1 है, तो v1 से v तक इधर इंटीग्रेट कर लो, बस इंटीग्रेट करो, इक्वेशन आ जाएगी। सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाई यू डोंट रिमेंबर दिस, आपको क्यों नहीं आता ये, क्या इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं गया आपको? हाँ सर पढ़ा है, लेकिन एक काम करूंगा मैं बेसिक मैथ्स की वीडियो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप में, तो उसमें ना टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है,
वीडियो लेक्चर्स, जैसे किसी को सिर्फ इंटीग्रेशन पर सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो वैसा देख सकता है वो, तो वो आप जरूर रिकैप करना, ठीक है। और अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, दिस इज वन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन, वन अपॉन लीनियर, यहाँ पे वी हमारा वेरिएबल है, उसके अलावा सब चीज कॉन्स्टेंट है, तो ये वी के टर्म में एक लीनियर एक्सप्रेशन है, यहाँ वी की पावर वन है ना, तो उसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। वन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ दैट लीनियर एक्सप्रेशन, log ऑफ दैट लीनियर एक्सप्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ दैट लीनियर एक्सप्रेशन प्लस जो भी उसमें वेरिएबल के इनटू में लिखा है उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ का इधर इंटीग्रेशन, जो भी लिमिट्स थी वो डाल दो, उधर भी ऐसे करेंगे तो भी आएगा, यहाँ से इक्वेशन बनाओ और उस इक्वेशन को देख के क्या उसका ग्राफ बना लो। तो एक बार ये होता है कभी कभी हमको कि डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमको बेसिक से करना पड़ता है, कभी कभी तो देख के समझ में आ जाता है कि कैसा ग्राफ बनेगा, देख कर भी हमको समझ में आ जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, चलो किसी ने बोला वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये, तो बोल दिया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, तो एक्सेलरेशन इसका रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी का, और इसका ये कांस्टेंट दिख रहा है तो रेट ऑफ चेंज जीरो, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो कई बार तो ऐसे दिख जाता है ना कि क्या करेंगे अपन, आ रही की बात समझ में, ओके। चलो तो हमेशा क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या है, तो ग्राफ्स में थोड़ा सा समझना, समझो क्वेश्चन को दिया क्या है, क्या इक्वेशन है और हमें क्या पूछा गया है, ये दो चीज समझना पड़ेगी कि पूछा क्या है और दिया क्या है, जो पूछा है और जो दिया है इनमें क्या रिलेशन होता है ये समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम पूछा, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और वी वर्सेस टाइम, तो वी और ए में क्या रिलेशन होता है वो सोचो, ए डीवी बाय डीटी, तो उसे दिख जाता है अपन को कि क्या करें, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया ग्राफ साफ, इसके बाद आ जाते हैं 2D मोशन पे, बीच में मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ा है आपने, बट देट इज अगेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो अगेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है, उसमें एक पॉइंट बहुत जरूरी होता है बच्चों को याद रखना, वो प्लीज देख लीजिए, पार्टिकल को फेंका यहाँ से ऊपर गया वापस आया है ना, ये पाथ एकदम वर्टिकल लाइन होगा, और मैंने ऐसा थोड़ा दूर बनाया है, ऑन अ हाइट पार्टिकल मोशन में दो बार आता है, एक तो ऊपर जाते आते इस पोजीशन इस हाइट पर आता है वो, और फिर ऊपर जाकर वापस नीचे आते आते इसी हाइट पर आता है, तो ये याद होना चाहिए आपको कि टी वन और टी टू का सम जो होता है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, और ये जो हाइट होती है वो अपन निकाल सकते हैं हाफ जी टी वन टी टू, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, थोड़ा काम की चीज है, इसलिए ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर मेरे पास अथर्व का क्वेश्चन आया कि यहाँ जो इक्वेशन आएगी उसका ग्राफ बहुत अजीब होगा, कोई अजीब नहीं होगा, यहाँ इक्वेशन एक्सपोनेंशियल आएगी, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको आना चाहिए बहुत आसान होता है, नॉर्मली जो हमको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मिलती है कभी कभी हमको कुछ ऐसी मिलेगी जैसे यहाँ आपको या तो ये इक्वेशन मिलेगी सम कांस्टेंट इनटू टू पावर कांस्टेंट इनटू टी, ऐसी कुछ इक्वेशन मिल सकती है, या वन माइनस समथिंग मिलती है अ कांस्टेंट इनटू वन माइनस इनटू पावर अ कांस्टेंट इनटू टी, ठीक है। दो तरह की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नॉर्मली जनरली आती है, कई बार पूछते हैं, तो पहली वाली जो इक्वेशन है उसका ग्राफ डिक्रीजिंग होता है और दूसरी वाली का कांस्टेंट पहुंच जाता है, इंक्रीज होते होते हैं, फर्स्ट का ग्राफ ऐसा सेकंड का ग्राफ ऐसा है ना, ये थोड़ा बार बार आता रहता है फिजिक्स में, तो ये चीज अपन को याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। यस ठीक है, वेरी गुड। चलो तो ये सब हो गया, ग्राफ और आपकी बातें हो गई अपनी, है ना। अब आपको देखो हमेशा प्रैक्टिस करना है, आपके जो डाउट्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी है, तो आई विल सजेस्ट कि कोई भी बुक उठाओ अच्छी सी, एचसीवी कर लो, अपने मॉड्यूल 100% कर लो, क्वेश्चन बैंक कर लो, और जो डाउट्स है पूछते जाओ, तो आपके धीरे धीरे सारी चीजें कवर हो जाएगी। अब अपन आ जाते हैं 2D मोशन पे, 2D मोशन इज जस्ट
2D मोशन, x एक्सिस का y एक्सिस का वन डायमेंशन मोशन देखकर एड करके 2D मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। हर 2D मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे 1D में तोड़ दो, उसको x और y में तोड़ दो तो अपना काम हो जाता है। ठीक, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मोशन इन ग्रेविटी इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, मोशन इन ग्रेविटी इज अगेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड व्हेनेवर देयर इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट अलोंग द एक्सेलरेशन, तो पाथ पैराबोला होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा पार्टिकल का। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में तो पाथ इज पैराबोला लाइक दिस। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पाथ ऑफ पार्टिकल इज आइदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। नाउ अगर ये वाली सिचुएशन है कि पार्टिकल को ग्राउंड पे रखा, ऊपर किसी एंगल पे फेंक दिया, तो इस पाथ की आपको इक्वेशन पे आती है, आपको सब पता है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे करते थे आप इस मोशन को एक्स और वाई में तोड़ते थे, है ना। आप इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी उसके दो कंपोनेंट लेते थे, यू एक्स लिखते थे आप यू कॉस थीटा, यू वाई लिखते थे यू साइन थीटा, फिर आप एक्सेलरेशन के कंपोनेंट लिखते थे, एक्सेलरेशन अब केवल वाई में, वहां ग्रेविटी का ही होता है तो एक्सेलरेशन वाई में माइनस जी है। फिर आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है एक्स डायरेक्शन में तो आप लिखते हैं यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टू जीरो है, तो बस यही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन निकालना है तो आप लिखते हो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और भी चीजें लिख सकते हो आप इससे। फिर आपसे पूछा जाता है इसमें कि अलग अलग सिचुएशन कुछ खास दे दी और उस पर टाइम वेलोसिटी कुछ पूछ ली, जैसे बोल दिया कि पार्टिकल जब यहाँ गिरेगा तो टाइम क्या होगा, उसे अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आपसे पूछ लिया कि पार्टिकल वापस जब जमीन पे आएगा तो टाइम क्या होगा, तो जब वापस जमीन पे आएगा तो खास कंडीशन क्या है यहाँ पे वो सोचो। जब पार्टिकल वापस जमीन पे आएगा तो उसका वाई डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो, वाई डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो, तो वाई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है, इसको जीरो रखो, जो टाइम मिलेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो क्या खास कंडीशन होना चाहिए वो सोचो बस, उससे हो जाता है। जैसे कोई पूछे कि मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल जब पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटीज क्या होगी बताओ, तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा पार्टिकल यहां पहुंचा, तो यहां पहुंचा तो और ऊपर नहीं जा रहा ना यहां से वो, तो यहां पर वाई की वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। इफ वाई कोऑर्डिनेट इज मैक्सिमम इट्स रेट ऑफ चेंज शुड बी जीरो, कोई चीज अगर मैक्सिमम पहुंचती तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो, तो वाई में वेलोसिटी जीरो हो जाना चाहिए। वाई की वेलोसिटी जीरो होने का टाइम निकाल लो तो यहां पहुंचने का टाइम आ जाएगा, वाई की वेलोसिटी जीरो पर हाइट निकाल लो तो हाइट आ जाएगी पार्टिकल की, है ना। तो जो भी कुछ निकालना है उसके लिए थोड़ा लॉजिक से सोचना पड़ता है कंडीशन क्या लगा है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, तो अगर मेरे से क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन हो तो सेकंड वाले में कैसे पाथ होता, भाई हॉरिजॉन्टल में भी करेंगे क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन हो तो पाथ फिर भी पैराबोला होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट तो है ना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पैराबोलिक पाथ ही होता है, और जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो पैराबोला का एक्सिस होता है, जो भी नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बच्चों का जनरली डाउट आता है कि किसी हाइट से पार्टिकल को फेंका तो उसकी मैक्सिमम रेंज क्या आती है, किसी टावर से एक बॉल वॉल को थ्रो करा हमने किसी कांस्टेंट स्पीड यू से, यू इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, तो आपको ऐसे एंगल पे फेंकना है कि बॉल मैक्सिमम रेंज कवर करे, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली। ठीक है, किस एंगल से फेंके कि बॉल की रेंज मैक्सिमम आ जाए, ऐसा पूछते हैं। तो चलो मैं स्पीड की कुछ वैल्यू दे देता हूँ, हाइट भी दे देता हूँ। मान लो हाइट थी 10 मीटर और स्पीड मैंने दे दी आपको 10 मीटर पर सेकेंड, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी मैक्सिमम रेंज आ सकती है, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को बताओ, आपने क्या सीखा है, कैसे करते हो?
सर एंगल 45 से फेंकेंगे? नहीं, क्यों? परिवार से फेंकने पे रेंज मैक्सिमम होती है ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेट, यहाँ पे रेंज मैक्सिमम आती है, हमेशा नहीं आती। तो उसको करने का अच्छा तरीका अभी मेरे को बताया किसी बच्चे ने, ऋत्विक ने, ट्राजेक्ट्री से करो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री से करो। ये मान लो ओरिजिन है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इफ दिस इज रेंज, रेंज सपोज आर है, तो कोऑर्डिनेट एट दिस पॉइंट शुड बी आर कॉमा माइनस एच, एच इज 10, सही बात है ना? कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट शुड बी आर कॉमा माइनस 10। नाउ ये जो पाथ है इसकी इक्वेशन आप जानते हो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या होती है? राइट? यस सर, है ना? ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, तो वाई डाल दो माइनस 10, एक्स डाल दो आर, यू भी 10 है, मैं पुट कर देता हूं, यू भी 10 है, पुट कर दिया तो ये इक्वेशन बनी। रेंज इज अननोन, वो निकालना है मुझे, और कॉस थीटा का नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको न्यूमरेटर ले चलते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, देखो tan का स्क्वायर है फिर tan है, तो क्वाड्रेटिक है tan थीटा में, और tan थीटा, थीटा ये एंगल है जिस पर फेंका गया था, थीटा शुड बी अ रियल एंगल, थीटा तो कोई रियल एंगल होगा, तो ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल होना चाहिए, रूट्स रियल होंगे तो आर पे कुछ कंडीशन होगी यहाँ पे, है ना? ये थोड़ा सा अच्छे से लिखो अगर इक्वेशन को मैं, तो देखो ये क्या बन रहा है, पहले तो ये 1/10 बनेगा, 1/10/2, तो आर स्क्वायर बाय 20 बनेगा, उसको इधर उठा के लाता हूँ, तो आर स्क्वायर बाय 20 इंटू 10 स्क्वायर थीटा माइनस आर 10 थीटा माइनस 10 तक यहाँ था, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 20 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक है tan थीटा में, tan थीटा शुड बी रियल, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, सी क्या है, आर स्क्वायर बाय 20 माइनस 10, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देयर इज अ कंडीशन ऑन रेंज, रेंज की कोई भी अनलिमिटेड वैल्यू नहीं हो सकती, उस पर कंडीशन है, तो यहां से समझ में आ जाएगा कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है। इसको सॉल्व करोगे ना तो रेंज शुड बी लेस देन समथिंग कुछ आएगा, रेंज की वैल्यू थोड़ा अरेंज करो इसे सॉल्व होके, अब मेहनत करो थोड़ी सी, तो रेंज शुड बी लेस देन इक्वल टू समथिंग मिलेगा, तो रेंज की मैक्सिमम लिमिट मिल जाएगी आपको। कुछ बात समझ में आई? यस सर। यस, बहुत बढ़िया। और ऐसे क्वेश्चन के साथ, जैसे ऋत्विक ने मुझे अभी बताया सर, इस टाइप के क्वेश्चन के साथ पूरे 2 दिन लगा था, तो उसकी मेथड रट गई, यही होता है बच्चों, है ना? ऋत्विक का एग्जांपल देखो, ऋत्विक ने क्या बोला, पूरे 2 दिन उसने इसमें मेहनत करी तो उसको याद ही हो गया, तो जो बच्चे ऐसे मेहनत करते हैं ना उनको चीजें याद ही हो जाती है, तो उनको फिर कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे दो वो कर लेते हैं, तो आपको सबको यही करना चाहिए, खूब क्वेश्चन करो, जब तक नहीं आए जूझो उससे, है ना, तब जाके अपन को हर चीज ऑन द फिंगर टिप हो जाती, तब आपसे एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन बनेंगे, फिर तब वो आईआईटी क्रैक करने की स्टेट आती है, समझे? तो उतनी प्रैक्टिस लगती है। चलो चलो ठीक है, फिर एक डाउट और आया था निमित का, वो भी देख लेते हैं, वो भी 2D का डाउट था। हाँ जस्ट अ सेकेंड, अ फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 250 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, कोई फाइटर प्लेन है जो 250 मीटर ऊपर जमीन से उड़ रहा है, तो अपन देखो हर क्वेश्चन करने के लिए पहले समझना जरूरी होता है क्वेश्चन को, तो अंडरस्टैंड करो अच्छे से कि दिया क्या है, डायग्राम वायग्राम बना लो, ठीक है, तो मैं बनाता हूँ। तो कोई फाइटर प्लेन है जो 250 मीटर जमीन से ऊपर उड़ रहा है, तो सपोज यहाँ पर फाइटर प्लेन उड़ रहा था, दिस वॉज फाइटर प्लेन जो उड़ रहा है, और जमीन से कितनी हाइट पर है, 250 मीटर, फिर क्या बोला आगे, 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है,
क्वांटम मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है, ठीक है। इट इज फास्टेस्ट एग्जैक्टली ओवर अ कैनन व्हिच कैन फायर अ शेल। यहां पे कैनन है एकदम एग्जैक्टली इसके ऊपर से जा रहा है, कैनन के ऊपर से जो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शेल फायर कर सकती है। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द प्लेन इज इन डेंजर ऑफ बीइंग हिट बाय द कैनन शेल। वो टाइम बताना है जितने टाइम में प्लेन इस शेल से हिट हो सकता है। तो जो भी आपने शेल फायर करी है, जो भी आपने शेल फायर करी है उसकी स्पीड पता है, तो शेल का एंगल नहीं दिया, आप अलग अलग एंगल पे शेल को भेज सकते हो, ठीक है। तो जो भी शेल प्लेन को हिट करेगी वो 250 मीटर डिस्टेंस हाइट कवर करके हिट करेगी, है ना, 250 मीटर डिस्टेंस हाइट हिट करेगी। तो आपको ये सोचना है कि यहां से जब मैं शेल फायर करूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 250 मीटर में आ जाए वो। जस्ट अ सेकेंड, 100 की स्पीड से शेल फायर हो रहा है, एंगल हमको नहीं पता है, चलो एंगल कुछ ले लेते थीटा, और ऐसा कुछ पाथ हो सकता है शेल का। तो हिट कर जाए शेल प्लेन को, इसके लिए हाइट ऑफ द शेल विल बी 250 मीटर। सो आपको अब ये सोचना है कि कितने टाइम तक प्लेन डेंजर में है, और हमको ये नहीं बोला कि शेल कब फायर करिए, ये एक बहुत बड़ा चीज यहाँ पे मिस कर रखी है उन्होंने। शेल कब फायर करिए, पहले भी फायर कर सकते हैं क्या? A fighter plane is flying horizontally at a height of 250 meters from the ground with constant velocity. It passes exactly over a cannon which can fire a shell at any time. Question में बोला है any time in any direction with a speed of 100 meter per second. Find the duration of time for which the plane is in danger of being hit by the cannon shell. अच्छा, तो अब ये बोल दिया कि cannon कभी भी fire कर सकती है। तो आप बस ये सोचो कि 250 meter हाइट आ जाए कैनन की, ऐसी कितनी लेंथ हो सकती है यहां पर? व्हाट इज द लेंथ ऑन दैट लाइन, प्लेन के मोशन की लाइन में कितनी लेंथ है जहां पर जितने में शेल आ सकती है ना? आपको ये सोचना है, बात समझ में आई कि क्या करना है? हाँ सर, ठीक है। तो आप ये सोचो कि मैक्सिमम हाइट यहां से फिफ्टी मीटर की अगर मैंने हाइट फिक्स करी, एक मैक्सिमम एक मिनिमम एंगल होगा यहां पर जहां जस्ट 250 मीटर की हाइट कवर हो रही होगी, उससे तो बड़ा ही एंगल रखना पड़ेगा। हाइट जो अचीव होती है इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब हाइट की वैल्यू आपको शेल की कम से कम 250 चाहिए, so this should be greater than equal to 250. But 250 की हाइट कम से कम तो होने ही चाहिए ना, तभी तो हिट करेगी। तो आपको यहाँ से थीटा की लिमिट मिल जाएगी। देखो यहाँ से यू और जी जो भी है सब पुट कर दो, तो 250 greater than equal to ये यू स्क्वायर विल बी 10,000 by 2 into g sin square theta। तो यहाँ पर थीटा की लिमिट आ गई, और थीटा की जो लिमिट है अब आप उससे ढूंढ लो कि ये जो शेल है वो कितनी लेंथ में जाके यहाँ कट करेगी, ये डिस्टेंस निकालो। ये बात समझ में आई? ये डिस्टेंस निकालो। अब हमारी शेल यहां से लेके यहां तक की लाइन पे कहीं पर भी कट कर सकती है, और ऐसे ही उस तरफ भी होगा पीछे की तरफ, क्योंकि किसी भी टाइम पे शेल फायर कर सकती थी किसी भी एंगल पे। तो ये हमारी कैनन उल्टी भी फायर कर सकती है। तो जो ये लेंथ आएगी इतनी लेंथ उधर भी होगी, इस पूरी लेंथ में प्लेन अगर होगा तो शेल उसे हिट कर सकती है। तो ये लेंथ जो भी है डिवाइड बाय स्पीड ऑफ प्लेन विल बी द टाइम जिसमें शेल बुलेट शेल प्लेन को हिट कर सकती है। आ रहा है क्या लॉजिक समझ में? हाँ सर आ गया, ठीक है। यस वेरी गुड। चलो बाकी बच्चों को भी क्लियर हुआ? क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ट्रिकी था, इसमें समझना जरूरी था कि अभी कहीं पर भी जाके बुलेट हिट कर सकती है, तो अपन को बस लेंथ सोचना है इस लाइन पर जिस लाइन में बुलेट हिट कर सकती है, जो कैनन है वो हिट कर सकती है, शेल हिट कर सकता है। तो शेल जो भी होगा वो यहाँ से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे 250 मीटर के हाइट पे आ सकता है, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए मैंने क्या करा, एंगल मिनिमम ले लिया। तो यहाँ से मिनिमम एंगल जो होगा वो निकालना, उसके करस्पॉन्डिंग ये लेंथ निकालना, व्हाट वुड बी दिस लेंथ, ठीक है। वो लेंथ आ जाएगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो
तो ये अपने काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन देखा, ठीक है। फिर काइनेमेटिक्स में आगे बढ़े तो फिर यार 2D में तो फिर बहुत सारी चीज हो जाती है, रिलेटिव इन 2D बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, है ना। तो उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ते। अब वो सारी चीजें एक साथ तो मैं पूरी चीज बता नहीं सकता, उसमें कोई खास तुम्हें डाउट हो तो बता दो। सर वैल्यू पुट करने से 45 आ रही है तो इसका तो एचमैक्स ही 250 हो गया। एचमैक्स 250 कैसे, कोई 45 डिग्री पे, ये थोड़ा सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 2 से यहाँ हमारे पास आ जाएगा 500, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2, साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2, तो साइन थीटा 45, है ना। 45 डिग्री पे एचमैक्स नहीं होता है, रेंज मैक्सिमम होती है, तो रेंज मैक्सिमम का आधा होगा ये डिस्टेंस 45 डिग्री पर। हाइट मैक्सिमम कब कवर होती है, रेंज के आधे पे, तो रेंज मैक्सिमम कितनी होती थी, यू स्क्वायर बाय जी होती थी, आई थी है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होती थी, तो यू स्क्वायर बाय जी। उसमें अब तुमको उसका आधा चाहिए, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस उसकी हाफ होगी, लेकिन उधर भी जोड़ना है तो आर ही ले लेना, और इसमें यू को 100 डालो तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय जी इज 10, तो 1000 मीटर डिस्टेंस हो गई जिसमें प्लेन चलेगा, तो 2 सेकंड आ जाएगा, 2 सेकंड डेंजर है। सर इसमें आंसर 2√2 दिया होता, आंसर 2√2 दिया है, हाँ नहीं ये होना चाहिए आंसर, 2 सेकंड से ज्यादा कैसे होगा। सर ऐसा है कि अपन शायद वो वाली चीज मिस कर रहे हैं कि जिस जो टाइम प्लेन को उस जोन में आने में लगेगा उससे पहले ही वो फायर कर देगा, तो मतलब उसी टाइम से वो डेंजर में होना चालू हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना उन्होंने, ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बस लिखा है कि प्लेन कितने टाइम तक डेंजर जोन में, तो डेंजर जोन मतलब कि भाई कैनन यहाँ इस हाइट पे आ सकती है, तो कैनन इस लाइन को कितनी लेंथ में कट कर सकती थी, शेल कितनी लेंथ में कट कर सकता, तो वो निकाला अपन ने। नहीं कुछ, या तो लैंग्वेज की मिस्टेक है क्वेश्चन में, मतलब एक्चुअली पूरी तरह से वो समझा नहीं रहे कि चाह क्या रहे। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द प्लेन इज इन डेंजर ऑफ बीइंग हिट बाय द कैनन शेल, और ये लिखा है देखो, कैनन कैन फायर द शेल एट एनी टाइम इन एनी डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्लेन तो सही यार, ये अगर मेरे पास 500 मीटर इधर 500 मीटर उधर 1000 मीटर बाय 500, 2 सेकंड, 2 सेकंड का टाइम होगा जिसमें प्लेन डेंजर में, सही है ये 2 सेकंड ही होगा। या तो उनको समझाना चाहिए क्वेश्चन में कि क्या चाह रहे वो, ठीक है। चलो तो ऋतिक बोल रहा है उसका इसका सॉल्यूशन है, तो एक बार सॉल्यूशन में देखना उन्होंने क्या लिखा है, मतलब कुछ लैंग्वेज ऐसी चीज लिखी होगी, देखना सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन से समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। चलो ओके, वो करेंगे अपन, अभी अपन काइनेमेटिक्स को आगे बढ़ाते। काइनेमेटिक्स में और कोई किसी को पर्टिकुलर थ्योरी में डाउट, लाइक एंड में काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा रिलेटिव इन 2D, तो रिलेटिव इन 2D रेनमैन प्रॉब्लम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी थ्योरी के क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइए। किसी को भी डाउट हो जब तक मैं ये आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ। (x)(10θ) - कुछ कुछ करा है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कुछ कर दिया, उससे आपने एक्स की रेंज निकाल ली, 500√2 कैसे आएगा। एक्स की रेंज 500√2 कैसे आएगी, एक्स टेन थीटा तो कोऑर्डिनेट थे, व्हेन द हाइट इज 250 मीटर
एंड एट दैट टाइम दिस इज मैक्सिमम. कुछ मिस्टेक है उसमें आपके, या हमने कुछ मिस्टेक करी है? ये हमने सही करा है, हमारा फॉर्मूला तो सही लिया था ना अपन ने. ठीक है, फॉर्मूला तो अपन ने सही लिखा था ना, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g, तो यहाँ तो ये 1/2 ही आएगा, साइन थीटा 45 डिग्री आएगा. सही बात है, 45 डिग्री पे ये x मैक्सिमम होगा. नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. जो सॉल्यूशन है मैं आपके ग्रुप पे भेजता हूँ, मैंने अभी उसको अच्छे से देखा नहीं, देयर इज डेफिनेटली कुछ गलती है सॉल्यूशन में. देखो ये किसी ने मुझे सॉल्यूशन भेजा था, मैंने ग्रुप पे डाल दिया आपके, आप खुद ही बताओ. मैक्सिमम हाइट जो होगी, मैक्सिमम हाइट वो हमको 250 मीटर या उससे बड़ी रखना है ना. तो इक्वेशन तो यही बनना चाहिए, मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन तो यही बनना चाहिए. ठीक है, 250 मीटर से बड़ी होना चाहिए हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. सर सर आई थिंक मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी होता है. अच्छा, तो वही यहाँ पे मैं वही पूछ रहा था, यहाँ पे गलती तो नहीं है. मैक्सिमम हाइट में 2g आता है यार. सर वो रेंज में आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g ही आता है. 2g होता है, मतलब ये तो सही है, 2g होता है ना, आप बाय डायरेक्शन में निकालोगे 2g आता है. सही है वो, यस ओके. भाई सॉल्यूशन में मुझे तो कुछ मिस्टेक लग रही है, दिस इज नॉट, कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये लॉजिकली आप कुछ सोचो, व्हेन हाइट मैक्सिमम, जब 250 मीटर की हाइट से बड़ी या कम से कम 250 मीटर हाइट होना चाहिए ना शेल की, तो अपन ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही कर रहे हैं, इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये तो एग्जैक्टली सही है. ठीक है, और ये सही है, तो ये जो हाइट अपन जब मैक्सिमम 250 मीटर ले रहे थे उस समय ये डिस्टेंस मैक्सिमम आएगी, और वो हमारी कितनी आ रही थी, 45 डिग्री पे डालने पे सही कराया अपन ने, वो 100,000 आ रही है ना, तो ये सही करा हुआ है, कुछ इसमें मुझे गलती नहीं दिख रही. ठीक है, मैं आपका सॉल्यूशन और चेक कर लूंगा, कहीं उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, है ना, बाकी ये मुझे लॉजिकली कुछ गलत नहीं लग रहा है. ठीक है, मैं और सोच लूंगा, कुछ गलत होगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे. चलिए, तो इस क्वेश्चन से चलो आगे बढ़ो. अब बताओ काइनेमेटिक्स में कुछ रेनमैन प्रॉब्लम वगैरह में कुछ स्पेसिफिक डाउट हो तो अपन देखें, अदरवाइज काइनेमेटिक्स में एक आध क्वेश्चन को छोड़ देता हूं मैं आपको. हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट मैंने आपके ग्रुप पे सॉल्यूशन भेजा है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ो अभी, इसको करना टाइम देके थोड़ा सा. ठीक है, अभी अपन जो रिवीजन कर रहे थे उस पर आ जाओ वापस से. तो काइनेमेटिक्स में आपको मोशन इन 2D में, रिलेटिव इन 2D के काफी क्वेश्चन, काफी केसेस होते हैं, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, तो उनमें कोई भी डाउट? सर रेनमैन प्रॉब्लम में सर जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में रेन गिर रही होती है उस डायरेक्शन में हम अम्ब्रेला खोलते हैं ना. हाँ, देखो आप हमेशा हर क्वेश्चन को है ना पीछे का लॉजिक देख के करोगे ना, तो सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे आपको. ठीक है, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, सब में क्या होता है, हम जैसे मैं रेनमैन प्रॉब्लम की बात करूँ, रेन अपनी वेलोसिटी से फॉल कर रही है, आप अपनी वेलोसिटी से चल रहे हो, अगर आपको अपने रिस्पेक्ट में रेन को देखना है तो आपको रेन की वेलोसिटी रिलेटिव जो दिखेगी वो कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. तो आपको बस वेक्टर में डिफरेंस लेते आना चाहिए, अगर आपको वेक्टर में डिफरेंस लेते आना है तो आप सब कुछ कर सकते हो. जैसे कोई पर्सन मान लो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पर चल रहा है, मान लो उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, रेन बिल्कुल वर्टिकली गिर रही है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये रेन ड्रॉप्स है. ठीक है, अब आपसे पूछा रेन ड्रॉप की स्पीड या वेलोसिटी आपको क्या दिखेगी विद रिस्पेक्ट टू योर, व्हेन यू आर वॉकिंग, आप जब चल रहे हो तो आपके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी क्या दिखेगी, तो क्या करना है, ये देखो वेक्टर डिफरेंस लेना है. कैसे लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेक्टर में डिफरेंस कैसे लेते हैं, दूसरा जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको अपोजिट करो और ऐड कर दो. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज इन डाउन, वेलोसिटी ऑफ मैन का अपोजिट पीछे आ जाएगा,
अब इनका वेक्टर एडिशन कर लो, वो इस डायरेक्शन में आएगा, 5 और 5 है तो 45 डिग्री पे आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रेन की वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में 45 डिग्री के एंगल पे आ रही है ना। सो अगर आपको वेक्टर्स आता है ना तो इन क्वेश्चन में कुछ तकलीफ नहीं होगी आपको कभी। क्या बात समझ में आई? ठीक है, एलएलएम को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आज अपन काइनेटिक्स को ही कंप्लीट करते, तो रेनमैन प्रॉब्लम को ऐसे हैंडल करना होता है। अब इसमें जो सिचुएशन दी जाए क्वेश्चन में, वो सिचुएशन का इक्वेशन बना लो, बस इक्वेशन बनाने का गेम ले जाएगा बस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कई बार बोल देते हैं कि रेन का एंगल वर्टिकल नहीं है, कुछ रैंडम एंगल पे आ रही थी, हमें नहीं पता किस एंगल पे आ रही थी, कुछ एंगल पे आ रही थी। अब आदमी दौड़ रहा है तो उसको रेन वर्टिकल दिखने लगते, उसको वर्टिकल दिखने लगते, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब रेन की वेलोसिटी यहाँ पे कुछ एंगल पे है और आपको वर्टिकल दिख रही है, मतलब इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन आ गया वो एकदम वर्टिकल आ गया। दिस इज पॉसिबल व्हेन इन दोनों का वेक्टर एडिशन इस डायरेक्शन में आए और इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर वाला कैंसिल हो जाए। तो वी आर का ये कॉम्पोनेंट, अगर वी आर वर्टिकल से थीटा पर है तो वी आर का इधर का कॉम्पोनेंट 5 से बैलेंस होना चाहिए। वी आर साइन थीटा शुड बैलेंस विद 5। तो VR sin theta इससे बैलेंस हो गया और VR cos theta नेट वेलोसिटी बच जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई कि आपके रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल दिखे, इसकी कंडीशन क्या होना चाहिए। तो ये वेक्टर लगाया है यहाँ पे अपन ने, इसमें कुछ भी फिजिक्स नहीं है, ये वेक्टर्स है, वेक्टर का नॉलेज है। ठीक है, तो अगर वेक्टर्स को, वेक्टर्स के हिसाब से क्वेश्चन को तोड़ के सोचोगे तो क्वेश्चन को सिंपल होते। ठीक है, हाँ चलो। फिर एक मेरे पास डाउट आ रहा है वेलोसिटी अप्रोच के क्वेश्चन का। आपके एससीबी में एक लास्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल का, जिसमें ट्रायंगल के 3 वर्टाइस पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टाइस पे 3 पार्टिकल है और तीनों ऐसा चल रहे हैं कि ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, सी ए की तरफ, ऐसा मोशन हो रहा है। सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज सॉल्व्ड यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पहले तो ये समझो। When a particle A and B are moving, suppose velocity of A is B, velocity of B is B, B, and suppose इनके angles इस तरह से कुछ है, so along the line joining A and B, the velocities के जो component आएंगे वो देखो इसको कम कर रहे हैं। फिलहाल जो diagram बनाया मैंने, according to that, this distance is reducing. Suppose this distance is R, so इसके reduce होने का rate क्या होगा? It should be VA cos alpha plus VB cos beta. So the rate at which the distance between particle is reducing is called velocity of approach. बस इसी चीज को कहते हैं velocity of approach. ठीक है, और जो हमको triangle वाला question मिलता है SCB में, उसमें ये constant होती है, because A हमेशा B की तरफ जा रहा है और B हमेशा C की तरफ जा रहा है, एंगल 60 डिग्री। तो यहां वेलोसिटी अप्रोच क्या आ जाएगी, देखो v प्लस v cos 60 जो आ जाएगा 3v by 2 एंड विच इज कॉन्स्टेंट। तो बीच की डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रही है। अब ये जब मिलेंगे तो डिस्टेंस बीच की जीरो हो गई और वो कॉन्स्टेंट रेट से कम हो रही थी, तो डिस्टेंस जो भी इनिशियल थी वो कवर करिए अपन ने टाइम टी में। तो डिस्टेंस इन डिस्टेंस बाय टाइम ये होना चाहिए स्पीड, और स्पीड 3v बाय 2 थी, तो यहां से टाइम मिल जाएगा अपन को। समझ में आई बात? बोलो, ये लॉजिक क्लियर हुआ? मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया है, आई एम होप ये मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ देखा है ऐसे क्वेश्चन को, तो मैं थोड़ा सा फास्ट ही बता रहा हूं। अगर इसके लॉजिक में कुछ डाउट हो तो पूछो वापस से। Yes. अब इसमें कोई डिस्टेंस पूछे कि पार्टिकल जब मिलेंगे तो कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज ऑलवेज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अगर कांस्टेंट तो स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस, टाइम मिल गया यहां से, स्पीड पार्टिकल की v थी, तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। समझे? चाहे डिस्टेंस कवर्ड पाथ ही क्यों ना हो, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। बोलो ऋषि, क्लियर? फिर इसका एक वेरिएशन आता है जिसमें वेलोसिटी अप्रोच चेंज हो रही है, वो एक चूहे बिल्ली टाइप का क्वेश्चन देता है।
ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, आई हैव अ बॉल जिसके अलोंग कोई मेरे पास कोई पार्टिकल है जो उसके अलोंग ही चल रहा है, मान लो यू स्पीड से चल रहा है, और दूसरा कोई पार्टिकल है जैसे बोल देते ये चूहा है तो दीवार के साथ साथ चल रहा है, दीवार के पैरेलल चल रहा है, और कोई बिल्ली है यहाँ पर जो उसको कैच करना चाहती है, बिल्ली की वेलोसिटी जो है वो बिल्ली हमेशा चूहे को देखकर चल रही है, ऐसा बोल देते हैं कि बिल्ली हमेशा चूहे को देख के चल रही है, तो जैसे चूहा यहाँ तो बिल्ली की वेलोसिटी इस डायरेक्शन है, थोड़ी सी देर में चूहा आगे पहुंच जाएगा तो बिल्ली की वेलोसिटी भी एंगल पे हो जाएगी, तो बिल्ली का पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा और इस चूहे का पाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, तो इस तरह का कुछ पाथ होता है यहाँ, दिस इज द पाथ ऑफ रैट एंड दिस इज द पाथ ऑफ कैट। ठीक, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे मान लो किसी पोजीशन पर थी कैट, यहाँ थी, लेट्स से बी पोजीशन पे थी, बी फॉर बिल्ली, बिल्ली की पोजीशन बी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी बिल्ली की वो भी वो होगी अलोंग द टेंजेंट, पाथ के टेंजेंट में वेलोसिटी होती है, और क्वेश्चन में दिया था स्पीड कॉन्स्टेंट है। ठीक है, उस समय डेफिनेटली हमारा जो माउस होगा वो यहाँ होना चाहिए ए पर, या उसको चूहा बोल लेते सी पर बोल लेते, ठीक है, वो वहां होना चाहिए ना, तभी तो उसकी तरफ वेलोसिटी है, और इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी यू थी, स्पीड यू थी। जब वो मिलेंगे तो हम क्या क्या कंडीशन बना सकते हैं, पहले तो ये सोचो क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं जब मिल जाएंगे, जब भी मिलेंगे, सो इन द एक्स डायरेक्शन, सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम, एम आई राइट, तो टी टाइम में अगर मिले तो यू टी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और मान लो एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी कॉस थीटा डी टी, जीरो से टी इंटीग्रेशन, ये भी ये होना चाहिए, थीटा इज वेरिएबल इसलिए मैंने वहां इंटीग्रेशन करा है, तो हॉरिजॉन्टल में दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होना चाहिए, दो एक इक्वेशन ये बनेगी, ऐसी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर कर दो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या जाएगी भैया, कैट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा इंटू टी, वी साइन थीटा डी टी जीरो से टी, ये हो जाना चाहिए इनिशियल डिस्टेंस एल के बराबर। ठीक है, ये इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, नॉट नेसेसरी कि मुझे जरूरत पड़ेगी, पर लिख तो दी मैंने। अब हमें इनको सॉल्व करने में थीटा वेरिएबल है तो हम कर नहीं पा रहे थे, तो यहां हमें ना वेलोसिटी अप्रोच का यूज करते हैं, व्हाट विल बी वेलोसिटी अप्रोच, बोलो, इस बिल्ली की वेलोसिटी हमेशा उधर है वी, और इस इंस्टेंट पे वी यू का कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, और वो अपोजिट है तो माइनस लिख देंगे, ये होना चाहिए वेलोसिटी अप्रोच, v माइनस यू कॉस थीटा। ठीक है, ये आना चाहिए वेलोसिटी अप्रोच, एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ देयर डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन, इसका इंटीग्रेशन कर दे तो बीच में डिस्टेंस कितना रिड्यूस हुई है वो मिल जाएगा मुझे, है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी अप्रोच फ्रॉम जीरो टू टी टाइम, मान लो टी टाइम पे मिले थे तो ये इंटीग्रेशन पूरा एल हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन है जैसे यहां लिखा था मैंने, वेलोसिटी अप्रोच इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, जब वो मिल गए तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, इसलिए इनिशियल डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा ये, तो बस यहां से हमको ट्रिक मिल जाती है, ये वी अपरेंट को लिख दो, वी अप्रोच को लिख दो वी माइनस यू कॉस थीटा इंटू डी टी, नाउ इसमें से वी डी टी का इंटीग्रेशन तो वी टी हो जाएगा, यू टाइम इंटीग्रेशन जीरो टू टी कॉस थीटा डी टी, दिस गिव्स यू एल, और ये जो इंटीग्रेशन है ना ये यहां से उठा के हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यू टी बाय वी ये सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हारा टाइम मिल जाता है, कुछ याद आया, ये सब है ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन से, ये सबको मतलब है ना याद ही रखना है, इज दिस क्लियर, चलो हमने काइनेमेटिक्स का रिकैप करा, अब आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करिए, और जो जो क्वेश्चन में डाउट आए वो पूछिए, और आपने एक डाउट पूछा था उसका सॉल्यूशन भी अपने थोड़ा देखा, उसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है तो मैं उसको एक बार और देख लूंगा, मुझे तो गलती दिख नहीं रही थी फिलहाल, मैं वो देख लूंगा कहीं और गलती हो रही हो अगर हमारी, ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन बैंक पूरी करिए, एंड क्वेश्चन बैंक 1, 2, 3, 4 SCV ये बेसिक है, ये तो कंप्लीट करना ही चाहिए, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद फिर अच्छी लेवल की और जो भी किताब आप चाहो कर सकते हो,
बीट बीएम शर्मा करना हो वो करो, या जो भी आपको अच्छी बुक लगे, ठीक है, तो वो सब कंप्लीट करिए। और आपको कोई भी चीज करने के लिए जरूरी है कि जो बेसिक से वो अच्छे से आना चाहिए। हर अच्छा क्वेश्चन करने के लिए अगर बेसिक नहीं आएगा तो अच्छे क्वेश्चन का सेंस नहीं होगा, ठीक, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलो तो आज अपन काइनेटिक्स सब क्वेश्चन है, काइनेटिक्स से क्वेश्चन करिए एंड डाउट्स आपके पूछते जाइएगा मुझसे। और काइनेटिक्स के बाद फिर अगले हफ्ते जो भी अपनी रिविजन क्लास रहेगी उसमें एनएलएम करेंगे अपन। तो एनएलएम में अपन स्ट्रेटेजी पहले से डिसाइड कर लेते हैं, आप थ्योरी पूरी रिकैप कर लेना, थ्योरी में जो डाउट हो पहले वो पूछ लेना, देन फिर मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू एनएलएम रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, ठीक। चलो इज इट ओके? ओके बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको।